यहाँ पर आपको गिवन है एक सर्किट जिसमें लगी हुई है आइडेंटिकल बैटरी, साथ ही यहाँ पर आपको मिल रहे हैं एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जिसमें से ईच का रेजिस्टेंस है आर, और आपको मिल रहे हैं एन प्लस वन आइडेंटिकल स्पीयर्स जिसमें से सबकी रेडियस है स्मॉल आर। नाउ यहाँ पर आपको एज्यूम करना है कि जो स्पीयर्स हैं इनकी डिस्टेंस आपस में काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही यहाँ सर्किट से भी काफ़ी दूर है। नाउ और आपको बताना है कि जितने भी स्पीयर्स हैं इन सब पर नेट टोटल चार्ज कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा जब आपकी जो की है क्लोज्ड कर दी जाए। ये रही आपकी की, क्लियर है? नाउ ये तो था आपका सवाल, अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। नाउ यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर एजम्पशन दिया हुआ है कि जो आपके स्पीयर से काफ़ी दूर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ हमें ऐसे लेना है कि जैसे ये सिंगल एग्जिस्ट कर रहे होते, यानी कि इनके बीच आपस में कोई इंट्रैक्शन ना होता तब, राइट? जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्पीयर मिल जाए स्पेस में केवल, सिंपल। अब इस पर जो भी चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, कितना चार्ज होगा, इसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अच्छा, साथ ही यहाँ पर इस नेगेटिव टर्मिनल को किया हुआ है ग्राउंडेड, इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसको हम लोग इस सवाल को करने के बाद समझेंगे, ठीक है? नाउ हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कितना चार्ज है सारे स्पीयर्स पे, इसका मतलब है कि स्पीयर्स पे चार्ज है। अच्छा, और चार्ज इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो स्पीयर्स हैं ये कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। दूसरी बात, यदि इन स्पीयर्स पे चार्ज है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा, यानी कि क्यू सी एंड बी आपस में इंटर रिलेटेड है, एक बात। नाउ यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, फोकस में आ रहा है हमारा वोल्टेज, राइट? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर था आपका एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन, तो यहाँ पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस में क्या कनेक्शन होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ आई वी चाहिए होगी, राइट? तो इसको देखने से हमें ये मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि यदि हम लोग पहले आई से स्टार्ट करें, करंट निकालें, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर हो सकता है, वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो पता करते हैं, ठीक है? नाउ तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस है एन इंटू आर, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस वायर सीरीज में है। तो आई कितना मिल जाएगा आपको, देखिए तो आपको यहाँ पे बड़े आसानी से आई मिलेगा, आई इज इक्वल टू बी अपॉन एन आर, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो और क्या कर सकते हैं। नाउ यदि आप ध्यान दें तो ये सारा आई हमने निकाला था बी को ध्यान में रखकर, बी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम लोग यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें किसी भी रेजिस्टर्स के अक्रॉस, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, राइट? क्योंकि हमारे पास आई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगा आपका आई इंटू आर, और आई केवल हम लोग निकाल चुके हैं, बी अपॉन एन आर इंटू आर करोगे तो मिलेगा आपको बी अपॉन एन, यानी कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस आया है। अच्छा, अब क्या हम इसकी मदद से हम लोग हर एक टर्मिनल पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं जहाँ पर ये स्पीयर कनेक्टेड है, राइट? हाँ, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? देखो ना, यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास है यहाँ पर आइडियल बैटरी जिसका नेगेटिव एंड जुड़ा हुआ है अर्थ से, ग्राउंडेड है, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका जो पॉजिटिव एंड है उसका पोटेंशियल आपको मिलेगा टोटल कंप्लीट वी। नाउ यदि आप ध्यान दें, ये तो आपका कंडक्टिंग वायर, राइट? तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, रेजिस्टेंस से पहले वी, ठीक है, क्लियर है? नाउ और हमने देखा है कि किसी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है बी अपॉन एन, ठीक है? यानी कि यदि एक एंड का बी है तो दूसरे एंड का क्या होना चाहिए, वी माइनस बी अपॉन एन, राइट? तभी तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा बी अपॉन एन, और करंट के डायरेक्शन का ऐसा फ्लो है, इसका मतलब है ये जो एंड है यहाँ पर हायर पोटेंशियल होना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहाँ पर लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, क्लियर थी इसी बात? तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है बी पोटेंशियल, तो इस एंड पे कितनी हो जाएगी, बी माइनस बी अपॉन एन, इसके अगले एंड पे क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, बी माइनस टू बी अपॉन एन, राइट? क्योंकि अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप होना चाहिए बी अपॉन एन, तो एक बार
माइनस बी अपॉन एन हो चुका है तो एक बार और करना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बी माइनस टू बी अपॉन एन। सिमिलरली आपको इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, बी माइनस थ्री बी अपॉन एन राइट। और ऐसे चलता चला जाएगा, लास्ट वाले में क्या मिलेगा ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारे पास एन प्लस वन है राइट, तो आपको मिलेगा बी माइनस एन अपॉन एन इन टू बी राइट। क्लियर थी सी बात नाउ। तो यहाँ से हमें यहाँ पे मिल गया हर एक टर्मिनल का पोटेंशियल ठीक है। देखिए ये सारी कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस करंट की वैल्यू को और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, और जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है पोटेंशियल एट द टर्मिनल जहाँ पर जुड़े हुए हैं आपके स्पीयर्स राइट। देखो तो बी वन को हमने माना बी, यानी कि जो फर्स्ट टर्मिनल है राइट। उसके बाद दूसरे पर क्या आया, एक बी अपॉन एन कम हो गया तो बी माइनस बी अपॉन एन, सिमिलरली आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा राइट। तो यदि आप ध्यान दें यहाँ पर, तो जैसे बी फोर पे क्या है, यहाँ पर देखो आ रहा है थ्री, बी फाइव पे क्या आ रहा है फोर, यानी कि एक नंबर कम आ रहा है। सिमिलरली यदि आप देखते जाओगे तो बी एन पे क्या मिलेगा हमें, बी माइनस एन माइनस वन अपॉन एन इन टू बी। क्लियर थी सी बात, तो इसकी वैल्यू आएगी बी अपॉन एन निकल के, और लास्ट जो टर्मिनल है बी वहाँ पर क्या होगा, बी माइनस एन अपॉन एन इन टू बी इज इक्वल टू जीरो। और यदि आप ध्यान दें तो देखो लास्ट टर्मिनल पे तो यहाँ पे ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल जीरो होना ही चाहिए था, तो हमारा कैलकुलेशन एकदम ठीक ठाक है ठीक है। नाउ अब तक हमने यहाँ पर देखा था कि सी ठीक है, वी और क्यू इनमें लिंक है आपस में, कहाँ से लिंक आया था, कैपेसिटेंस थे। तो देखो क्या आता है, और देखिए क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर हमें पता है होता है सी इन टू बी, यानी अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है चार्ज निकालने के लिए। और हमें यहाँ पर देखिए हर एक टर्मिनल पे पोटेंशियल पता चल चुकी है, और ये कंडक्टिंग स्पीयर है तो सीधी सी बात है पूरा का पूरा स्पीयर जो कनेक्टेड है जिस पोटेंशियल से, उसका भी पोटेंशियल सेम वही होगा जो यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल है राइट। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें मिल जाएगा हर एक स्पीयर पे चार्ज, कैसे मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी से ना, यहाँ पर सी है कैपेसिटेंस, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। तो यदि आप ध्यान दो तो फर्स्ट स्पीयर पे क्या मिलेगा, क्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इन टू बी वन, तो यहाँ पर थी वैल्यू सी इन टू वी। फिर देखो सेकंड पे क्या मिलेगा, सी इन टू बी टू। तो इस प्रकार हमने सारे के सारे स्पीयर पे जितना चार्ज होगा वो यहाँ पर लिख लिया है राइट। नाउ हमें चाहिए था क्या, नेट सम ऑफ चार्ज, इसका क्या कर देंगे, अब सम कर देंगे राइट। देखो हमने यहाँ पर कर दिया इस चार्ज का सम, सारे के सारे चार्ज क्यू वन से लेके क्यू एन प्लस वन तक, क्योंकि हमारे जो स्पीयर थे वो थे एन प्लस वन, सबको यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की ठीक है। तो क्यू वन की वैल्यू थी आपकी सी वी, क्यू टू की वैल्यू थी आपकी देखो सी वी वन माइनस वन अपॉन एन, और लास्ट में देखो सी वी वन माइनस एन अपॉन एन ना। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, सी वी को कॉमन लिया तो यहाँ पर वन कितने बार मिलेगा, एन प्लस वन बार राइट। तो देखो एन प्लस वन इन टू वन कर दिया, और यहाँ से देखो माइनस वन अपॉन एन, माइनस टू अपॉन एन, माइनस थ्री अपॉन एन, लास्ट तक देखो माइनस एन अपॉन एन। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस वन अपॉन एन कॉमन ले लिया, तो आपको अंदर क्या मिल जाएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डॉट 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 अप टू एन राइट। अब देखो ये बन रही है आपकी यहाँ पे क्या बन रही है, ए पी ठीक है। आप इसका सम डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू राइट। नाउ तो यहाँ पर आपने जैसे इसकी वैल्यू पुट की, तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा सी वी इन टू एन प्लस वन बाई टू राइट। अब देखो किसी स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू आर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। तो ये तो आ गया आंसर। अब हमने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग यहाँ पर जो ये ग्राउंडेड है इसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट नाउ। तो यदि आप ध्यान दो तो हमने यहाँ पर यूज किया है चार्ज निकालने के लिए पोटेंशियल का राइट, क्यू इज इक्वल टू सी वी, यानी कि यहाँ पर एक पोटेंशियल फिक्स था। अब सोचो अगर ये ग्राउंडेड ना होता तो क्या होता, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो फिक्स स्ट्रक्चर था ना जीरो एंड बी का, ये चेंज हो जाता, हम कुछ भी मान सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मान सकते थे माइनस बी बाई टू और यहाँ पर बी बाई टू, या फिर मान सकते थे देखो यहाँ पर माइनस बी, तो यहाँ पर क्या जाएगा जीरो, जिसकी वजह से यहाँ पर देखोगे जो जो फिक्स पोटेंशियल आ रही है यहाँ पर हर एक टर्मिनल्स पे, उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती थी सबके लिए अलग अलग, जो जैसे एज्यूम करना चाहे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, हम यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर पाते और ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता। तो आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंडेड करने का कितना बड़ा रोल है। क्लियर थी सी बात, आई होप
इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।